दो मंगल लगा धरना लगा हुआ 2 अप्रैल 2022 को कि जेड़े गुरुद्वारा करतारपुर साहब का पाकिस्तान उनके दर्शन वास्ते पासपोर्ट लगता जरूरी है उस पासपोर्ट की शर्त खत्म की जाए। दूसरी मंग हैगी है कि जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब के दर्शन कराने वास्ते पाकिस्तान $20 लेंदा एंट्री फीस वो लैनी बंद करे। किसी धार्मिक स्थान का व्यापार नहीं किया जाता गा उन्होंने बिजनेस बनाया गुरुद्वारा साहब का। मेरा 2 मंगल लगा धरना लगा हुआ 2 अप्रैल 2022 को। पहली मंग हैगी है कि जेड़े गुरुद्वारा करतारपुर साहब का पाकिस्तान उनके दर्शन वास्ते पासपोर्ट लगता जरूरी है उस पासपोर्ट की शर्त खत्म की जाए। पहली मंग मेरी हैगी। दूसरी मंग हैगी है कि जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब के दर्शन कराने वास्ते पाकिस्तान $20 लेंदा एंट्री फीस वो लैनी बंद करे क्योंकि किसी धार्मिक स्थान का व्यापार नहीं किया जाता गा उन्होंने बिजनेस बनाया गुरुद्वारा साहब का इस वास्ते मुनासिब नहीं उन्होंने धार्मिक भावना में ठेस पहुँचती है इस वास्ते $20 लेने बंद करे। हाँ जी मैं अज 533 दिन हो गए ने धरना लगाए 2 अप्रैल 2022 तो लैके अज तक 533 दिन हो गए ने यानी कि 17 महीने हो चले 17.5 मिलने वास्ते सरकार का कोई नुमाइंदा मेरे पास नहीं आया गा। मेरे मैंबर सरकार को पहुंचे हुए हैं भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार को और पंजाब सरकार मैं भेजे से उन्होंने मैं लैटर भी आया है क्योंकि उन्होंने लिखे पंजाब सरकार ने क्योंकि मामला असी भारत सरकार नाल कई बार बिठाया है पर मामला भारत सरकार को लंबित है असी दोबारा फिर लिख रहे हैं तो उन्होंने बार बार लिखे तो वैस आवाज़ मेरी जी मंगा की आवाज़ मेरी आवाज़ रग विचंडे जी ने भी उठाई पार्लीमेंट पार्लीमेंट सब मैंबर उन्होंने पता है मैंबर पार्लीमेंट हर को पता है मेरा धरना इतना लगा हुआ है तो बाकी पाकिस्तान भी सारा उन्होंने पता है मैं धरना लगा मेरा तो इन मंगा लैके जो आम श्रद्धालु आते हैं फिर वो गलबात करते हैं किमें रिस्पोंस रहा उन्होंने हाँ जी आम श्रद्धालु जो गलबात करते हैं की गलबात होंगी उन्होंने कहते हैं कि वधिया गल कर रहे गलबात चल रही है सरकार इतने अरदास वास्ते आते हैं लोगों का साथ कि मिल रहा लोगों का साथ मैं पूरा मिल रहा पूरी सपोर्ट मिल रही है मैं पूरी सपोर्ट मिल गई समर्थन कर रहे हैं मेरा मैं रोज़ मेरे रजिस्टर से साइन करके जाते हैं जेड़े भी इतने आते हैं अपने किसान यूनियन में होर बड़े संगठन आए हैं मेरे समर्थन काफ़ी लोग आए हैं। धरना कदों तक जारी रहेगा धरना कदों तक जारी रहेगा धरना मेरा उदों तक जाएगा जदों तक पाकिस्तान सरकार तो भारत सरकार आपस सहमत नहीं होंगे मेरी मंगा मनने से ये खत्म कर दिया तब तो मेरी मंगा स्वीकार नहीं कर दिया उन्ना चर मेरा धरना जारी रहेगा। मेरा 2 मंगल लगा धरना लगा हुआ 2 अप्रैल 2022 तो। पहली मंग हैगी है कि जेड़े गुरुद्वारा करतारपुर साहब का पाकिस्तान उनके दर्शन वास्ते पासपोर्ट लगता जरूरी है उस पासपोर्ट की शर्त खत्म की जाए। पहली मंग मेरी हैगी। दूसरी मंग हैगी है कि जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब के दर्शन कराने वास्ते पाकिस्तान $20 लेंदा एंट्री फीस वो लैनी बंद करे क्योंकि किसी धार्मिक स्थान का व्यापार नहीं किया जाता गा उन्होंने बिजनेस बनाया गुरुद्वारा साहब का इस वास्ते मुनासिब नहीं उन्होंने धार्मिक भावना में ठेस पहुँचती है इस वास्ते $20 लेने बंद करे। हाँ जी मैं अज 533 दिन हो गए ने धरना लगाए 2 अप्रैल 2022 तो लैके अज तक 533 दिन हो गए ने यानी कि 17 महीने हो चले 17.5 मिलने वास्ते सरकार का कोई नुमाइंदा मेरे पास नहीं आया गा मेरे मैंबर सरकार को पहुंचे हुए हैं भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार को और पंजाब सरकार मैं भेजे से उन्होंने मैं लैटर भी आया है क्योंकि उन्होंने लिखे पंजाब सरकार ने क्योंकि मामला असी भारत सरकार नाल कई बार बिठाया है पर मामला भारत सरकार को लंबित है असी दोबारा फिर लिख रहे हैं तो उन्होंने बार बार लिखे तो वैस आवाज़ मेरी जी मंगा की आवाज़ मेरी आवाज़ रग विचंडे जी ने भी उठाई पार्लीमेंट पार्लीमेंट सब मैंबर उन्होंने पता है मैंबर पार्लीमेंट हर को पता है मेरा धरना इतना लगा हुआ है तो बाकी पाकिस्तान भी सारा उन्होंने पता है मैं धरना लगा मेरा तो इन मंगा लैके जो आम श्रद्धालु आते हैं फिर वो गलबात करते हैं किमें रिस्पोंस रहा उन्होंने हाँ जी आम श्रद्धालु जो गलबात करते हैं की गलबात होंगी उन्होंने कहते हैं कि वधिया गल कर रहे गलबात चल रही है सरकार इतने अरदास वास्ते आते हैं लोगों का साथ कि मिल रहा लोगों का साथ मैं पूरा मिल रहा पूरी सपोर्ट मिल रही है मैं
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਧਰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।